रविवार सुबह हुई हल्की बारिश से लोगों को उम्मीद थी कि वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 के स्तर को भी पार कर गया है। मानो हवा में विष घुल गया हो, लोग परेशान हैं। रहने के साथ थोड़ा सा आदमी के ऊपर एक साइकोलॉजिकली भी प्रेशर आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है इस मौसम में, क्योंकि अभी सर्दियां तो नहीं आई हैं, तो ये फॉग तो नहीं है, और ये है कि अब ये मास्क लेके घूमना पड़ रहा है, तो एक थोड़ा सा आदमी को अपने आने जाने का जो प्रोग्राम है वो भी चेंज करना पड़ रहा है कि हाँ, अगर कहीं ना ही जाना पड़े तो बेहतर है। छुट्टी का दिन है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे, घूमने जाएंगे, पर इसको देख के जो है थोड़ा सा आदमी के दिमाग में एक मतलब नेगेटिव इम्प्रेशन आ रहा है कि हाँ, हवा के अंदर जो है ये क्या है जो हमें मतलब कहीं ना कहीं बीमार ना कर दे। उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए एक बार फिर पराली जलाए जाने को मुख्य वजह बताया है। इस समय बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि फसलों का धुआं यहाँ आ रहा है और फसलों के धुओं को रोकना है। हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, हम बस ये कह रहे हैं सारे मिलके आइए इस फसलों के धुएं को रोकने की कोशिश करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि फसल का धुआं, सारी एजेंसीज बता रही हैं, सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट, सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि फसलों का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, इस वजह से चारों तरफ इतना पोल्यूशन है। तो ब्लेम गेम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है और इस चीज़ पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा ये कहना है सारी सरकारें मिलके बैठ के इसके ऊपर, हम सारे मिलके बैठ के इस पे बात करें। लेकिन ये कैसे होगा, इसके ऊपर कौन, अभी जैसे पंजाब और हरियाणा में टोटल 27 लाख किसान हैं और अभी तक वहाँ पिछले 1.5-2 साल में 65,000 मशीनें बटी हैं जो कि किसानों को फसल जलाने से रोकने के बजाय बिना फसल जलाए उसको हार्वेस्ट करने के में मदद करती है। तो 27 लाख किसानों तक कब तक पहुँचेंगे, कितने साल में पहुँचेंगे हम लोग, अभी कितने साल और हमें भुगतना पड़ेगा, ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी अब गंभीर हो गई है। हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और कैबिनेट सचिव ने रविवार देर शाम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की जाएगी। बहरहाल राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण से त्राही त्राही मचा हुआ है। जहरीली धुंध की चादर छाई है, लोगों के दम घुट रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।